जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जानब से एक शानदार कामयाबी पे स्टेट ऑफ सरकार पेशन ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खसूसन बिलखसूस हमारे चेयरमैन साहब, हमारे डिवीजन हेड मार्केटिंग, हमारे रीजनल हेड्स और फील्ड वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिनकी एफर्ट से नया स्ट्रक्चर आया, उसके बाद प्रमोशन ओपन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेट एवं कॉर्पोरेशन ने रिकॉर्ड इंक्रीज की है। हिस्ट्री बदल के रख दी है स्टेट एवं कॉर्पोरेशन ने, और इन लीडर्स की वजह से आज कॉर्पोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग में चले गई। आप फिगर की बात करते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर कैडर में टॉप पोजीशन हासिल की है, और मैं इस पे बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद आज पेश करता हूँ। और मैं तमाम जोनर सबान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिनका काम बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तमाम जिनकी प्रमोशन जिन्होंने क्वालिफाई की, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसी खुशी में एक खूबसूरत तोहफा आपको पेश करता हूँ, जो कि रवायत है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह के काफी अरसे से। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जिससे आपका बेनिफिट होता है और आप मार्केट में उसको कैप्चर करते हैं, मार्केट को, जिसे हम कहते हैं कि कंपेरिजन विद ऑल अदर इंश्योरेंस कंपनीज। ये 2021 का जो है ना कंपेरिजन मैंने बना लिया था, लेकिन दिसंबर क्लोजिंग की वजह से मैं उसको आपके सामने पेश नहीं कर सका। आज मैं उसको आपके सामने पेश करता हूं, और इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और मार्केट में आप सुकून से अच्छी सेलिंग कर सकेंगे। चलें, लेट्स मूव फॉर द कंपैरिजन। जी तारिक महमूद शेख जी आपके सामने हाजिर है, सुनाट हूँ सियालकोट जोन का, और ये आप रेडी, आपने मेरा इंट्रो आपके पास है, तो आगे चलते हैं। तो दिस इज अ कंपैरिजन, व्हाई वी प्रेफर टू स्टेट ऑफ एज कंपेयर टू ऑल अदर इंश्योरेंस कंपनीज। क्यों लोग प्रेफर स्टेट ऑफ को करते हैं, ये है सोचने वाली बात, क्यों प्रेफर करते हैं। अंडरस्टैंड, जब आप प्रेफर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आपका अदारा बहुत अच्छा है। ये एनुअल अकाउंट्स 2021 की बेस पे मैंने बनाया है। आप कभी गौर करें, बेमिसाल के साथ मुआजना करना बंद करें, स्टॉप कंपेयरिंग विद द इनकम्पेरेबल। देखें, एक साइड पे हाथी है, ये बाकी तमाम अदारे उसके सामने वो वर्थ नहीं रखते जो आपके स्टेट ऑफ का वर्थ है आपके सामने। तो ये पिक्चर ही बहुत खूबसूरत आपके लिए। तो ऑलरेडी ये कुछ चीजें मैं ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ, कुछ रिपीट होंगी आपकी, क्योंकि वो हमेशा वही होती हैं। तो गारंटी में के स्टेट ऑफ के पास सिर्फ गारंटी है और किसी के पास ये गारंटी नहीं है कि वो आपको जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के तहत गारंटी में दें। और गारंटी में क्या है कि आपके तमाम अमाउंट और जो कि बोनस डिक्लेयर हो चुके हैं, ये गारंटेड हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा किसी और अदारे के पास कोई गारंटी नहीं है। फिर सिस्टम की बात अब अगर करें, इंश्योरेंस सिस्टम की बात, उसमें कन्वेंशनल सिस्टम आपके पास है और अदर कंपनी के पास यूनिट लिंक सिस्टम है। अकॉर्डिंग जो कन्वेंशन सिस्टम होता है, जो अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, जितनी कंपनीज काम यहाँ पे कर रही हैं, जितने बैंक कर रहे हैं, वो कन्वेंशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ये प्रोडिक्ट किया जा सकता है, फोरकास्ट किया जा सकता है, जबकि वेयर एज दूसरा सिस्टम जो है ना वो स्टॉक मार्केट के बेस्ड होता है, इसको प्रोडिक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, और इस हवाले से ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ये कन्वेंशनल फ्रॉम अमेरिका और ये लीग फ्रॉम यूके है। तो बाकी तमाम कंपनी, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है रिस्क कवरेज का, क्योंकि इंश्योरेंस बेसिकली एक रिस्क कवरेज देती है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। आप अगर गौर करें कि जब रिस्क कवर एंगल से मैं ये स्लाइड आपको दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एग्जाम्पल उठा के हम देख सकते हैं, तो इसमें यह होता है कि स्टेट लाइफ में जब किसी की डेथ होती है, उसको हम सम श्योर्ड प्लस ऑल अक्रूड बोनस पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 साल के बाद अगर किसी की डेथ होती तो उसको 12 लाख पे करेंगे, सामान छोड़ उसकी 1 मिलियन है, और 10 साल बाद होती है तो 16 लाख पे करेंगे, 15 साल बाद होती है 23 लाख पे करेंगे, और इस तरीके से है। वेयर एज अगर दूसरे अदारे में चले जाएं, उसमें ये होता है कि सम इंश्योर्ड आर द कैश वैल्यू विच एवर इज हायर, दोनों में से एक चीज मिलेगी। देखो, 5 साल के बाद भी 10 लाख मिल रहा है उधर कंपेरिजन, 15 साल के बाद यहाँ 10 लाख मिल रहा है, वहां पर 16 लाख मिल रहा है, सॉरी 10 साल बाद, 15 साल के बाद यहाँ 11 लाख है, वहां पे 23 लाख है। क्यों फर्क है? सम इंश्योर्ड आर द कैश वैल्यू विच एवर इज हायर। ओके, आगे आप देखें, इन्फ्लेशन को हम साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके,
और क्योंकि यूनिट्स में ऑब्जर्व ये ऑब्जर्व नहीं होती। रिसर्व्स अल्हम्दुलिल्लाह 1.268 ट्रिलियन जिसे कहते हैं, 1268 जो है ना बिलियन आपके रिजर्व्स हैं, और जबकि सारी कंपनियों को मैं इकट्ठा कर लूँ 428 बिलियन के रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट का एक साल की डिक्लेरेशन हमारी जो 2021 में हुई है वो 85.65 बिलियन, मतलब कि 85 अरब से भी ज्यादा आपका प्रॉफिट एक साल का है, जबकि दूसरी कंपनी कभी प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करती। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर कभी अप एंड डाउन होता है अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट। प्रोडक्ट एनालिसिस अगर करें तो नो नंबर ऑफ प्लांट्स, 26 प्लांट्स हैं उधर, 1 और 2 प्लांट्स हैं। हाईली जो है ना वो वांटेड प्रोडक्ट हमारी जीवन साथी का कोई कंपैरिजन नहीं है, चाइल्ड एजुकेशन का कोई कंपैरिजन नहीं है, और एनडी का कोई कंपैरिजन नहीं। और एक और प्रोडक्ट मैं भूल गया हूँ, जिसे हम जो हमारी नया प्रोडक्ट हमारी आई है इंडोमेट, 7 ईयर्स से उसके पे करने पड़ती है, ये हमारी 81 टेबल, मैं समझता हूँ कि इसने तो पूरे दुनिया में धुएं मचा कर रख दिए, वो अभी कंपैरिजन डेफिनेटली बात किसी के पास नहीं है। तो ये आपके पास ऐसी हैवी प्रोडक्ट आपके पास है जिसको आप सुकून के साथ, ये क्यों प्रोडक्ट आई, हमारी 50 साल पूरे हो चुके थे, उसमें हमारी गोल्डन इंडोमेट आई है, वो बहुत कमाल की है। कैश वैल्यू यहाँ पे 5 साल बाद एट पार पे आती है, यहाँ पे 10 साल बाद भी आती, लोन की फैसिलिटी मौजूद है। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में जाएं तो सर्विस ओरिएंटेड है, वहाँ प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यहाँ AAA रेटिंग है, और यहाँ पे अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफिस हैं, वहाँ पे लिमिटेड मेडिकल अलाउ नहीं है किसी को अपनी इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाने के अंदर कंपनी के अंदर। रियल एस्टेट हैवी राइज प्राइजेस माशाल्लाह, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो हमारी रियल एस्टेट है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। अनमैच प्रोडक्ट, अनमैच करियर है, SM है, SR है, SSM है, इसी तरीके से फिर एरिया मैनेजर सेक्टर, इसी तरीके से माशाल्लाह चलते चलते स्टेबल करियर है इसमें, सेल्फ एम्प्लॉय होता है बंदा, नेचुरल सिस्टम के तहत वहां पे कोई स्टेबल नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आज डेस्टिनेशन कुछ है कल कुछ है, तो ये सिनेरियो जो है ना वो बहुत डिफरेंट है जो कैरियर है सही स्टेल हमें। लाइफ फंड का भी गौर करें, बस का फिगर नहीं पढ़ी जाती, लेकिन आप कम से कम अगर आप फिगर नहीं भी पढ़ सकते तो ये मैंने फिगर भी आपको ये देखो मिलियंस में दी हुई है, तो हमारा A1 ट्रिलियन से ज्यादा जो है लाइफ फंड है। इसी तरीके से आ जाइए FGO, तमाम अदारों का देख लें कहाँ पे आपका अदारा है और कहाँ पे वो चीजें हैं, मैं फिगर इसलिए आपके सामने पेश की है, आप इसकी प्रिंट ले सकते हैं, आप इसको अपने सुकून से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके टोटल प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरर ये देख लें आप, लास्ट ईयर का प्रीमियम हमारा 22 भी अभी क्लोज हो चुका है, और आगे इसकी जब बैलेंस शीट आएगी उसको भी आपके सामने पेश करूंगा। अब देखो कितना प्रीमियम आया, इतना बड़ा 16 अरब रुपया प्रीमियम, 16 अरब से ज्यादा प्रीमियम है हमारा, ये कॉर्पोरेशन की बात मैं कह रहा हूँ, स्टेट की, बाकी अदारों का प्रीमियम देख लें तो मिलके भी अदारे सारे मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो ये पूरा आप मार्केट शेयर की मैं बात करूंगा, ये पूरी वर्कशीट है, आप इसको सुकून से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, जो भी आप, ये वर्किंग शीट है मेरी, इस वर्किंग शीट के ऊपर सब कुछ मैं बनाता हूँ, और ये सारी की सारी अकाउंटिंग बेस है जो आपकी जितनी भी बैलेंस शीट बनती है उसको डाउनलोड किया होगा। ठीक है, अब देखो टोटल आप शेयर देखें गौर से करें, एक वक्त था हमारा मार्केट शेयर स्टेगनेट हुआ था, जब जो ही हमारे ये चेयरमैन आए हैं इन्होंने जो माशाल्लाह, असल में बात है राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जॉब स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जब चेयरमैन आएंगे तो सिनेरियो बदलेगा, असल में एक्चुअल्स हैं, प्रॉपर एक्चुअल्स हैं जो कि इन शो को समिति हैं, इसको लेके जा सकते हैं। और इसमें गौर करें कि जब से ये आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक रहम से, 20 का मार्केट शेयर 52.35% था, तो आप 56.95% हो चुका है, बाकी अदारों का शेयर अब दोबारा कम होना शुरू हो चुका है, और आपका प्रीम जो मार्केट शेयर है वो बढ़ना शुरू हो गया। आप देखिएगा 2-4 साल के बाद हालात टोटल डिफरेंट हो जाएंगे, पूरी मार्केट के अंदर मोर देन 50% मार्केट आपके पास है इस वक्त। फिर आप ग्रुप का देखें, ग्रुप पिछले साल हमारा ग्रुप में कितना था, 43%, आप 70.61, क्या चेंजेस आई होंगी सोचो आप, क्या कभी इतनी फिगर आपने चेंज नहीं देखी होगी। बाकी छोटे छोटे अदारे हैं, बड़े अदारे में जुबली जुबली है, प्लस EFU है, और IG है, आप उनका शेयर देख लें, इधर का शेयर देख,
फिर आप एक और चीज देखें, आप इसको मैं फर्स्ट ईयर का शेयर जो है हमारा, इसमें फर्स्ट ईयर प्रीमियम में थोड़ा सी मामूली सी कमी आई है, और इंशाल्लाह इसके पर एफर्ट जारी है कि इसको हम कोप अप करें और नेक्स्ट टाइम बेस्ट बिजनेस है। बायफर्केशन में आपका एक गौर करें, 2020 से 21 में कितना फर्क पड़ा है, तो ये फर्स्ट ईयर 51, और आप देखें आपका जो टोटल बिजनेस 56.95 है, ग्रुप का बिजनेस देखें और कन्वेंशन बिजनेस देखें आप। अच्छा, आप सरेंडर वैल्यू को भी शोर डाला था, सबसे बड़ी किसी की चेक करना हो ना तो कितना बिजनेस आ रहा है और जा कितना रहा है, सरेंडर कितना आ रहा है, ये भी वाच करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा असल में रियलिटी क्या है। इतना बड़ा अदारा सिर्फ 30.31% सरेंडर भी हो रहा है, साथ ईएफयू का 63.94% सरेंडर हो रहा है, और जुबली का 75% सरेंडर हो रहा है, और आईजीआई की 156.92% सरेंडर हो रहा है बिजनेस। 100 अगर 100 पे आता है तो 156 चले जाते हैं वापस, तो थिंक ओवर कि ये कैसे सरवाइव होगा। अस्करी देख ले, दौत का फल है, पाक का तरह है, आदम जी इनके अभी नई नई बनी है, इतना बड़ा सरेंडर हो रहा है तो ये तो बड़ा मुश्किल में आ जाएंगे। अब और देखें डेथ क्लेम्स जो मिल हो पे हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अदारा है हमारा, इतने पुलिस ऑर्डर है सबसे ज्यादा, उसका डेथ रेशियो भी देख लें आप कितना है, ये भी आपके सामने पेश कर दिए आपको मैं। की फाइनेंशियल आर ये अलग से वीडियो मैंने बना के भेज दी थी, लेकिन 6 ईयर का मैंने फिर एक कंपैरिजन आपको बताया कि 6 सालों में अदारा कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया है। इन्वेस्टमेंट 70% इंक्रीज कर गई है, पॉलिसी को बेनिफिट, पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट 158% इंक्रीज कर गए हैं, नेट प्रॉफिट हमारा 447% इंक्रीज किया है, अर्निंग पर शेयर हमारी 254% इंक्रीज किया है, बोनस टू द पॉलिसी होल्डर 57% इंक्रीज किया है, लाइफ फंड हमारा 107%, इक्विटी देखो 292% इंक्रीज, ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको अंडरस्टैंड करें कि एसेट्स लेस जो लाइबिलिटी होती है वो हमारी इक्विटी होती है, कि आपके पास अपना पैसा कितना है, टोटल एसेट 82% इंक्रीज किए हैं, ये दुनिया में बहुत कम अदारे आपको मिलेंगे। इसको मैंने इस तरीके से ये आरएनडी भेज चुका हूँ, उसको ग्राफिकली दे दिया मैंने हर साल का, ये देख लें ये आपके सामने है, इसको ग्राफिकली आप देखना चाहें, सिर्फ इसलिए शो कर रहा हूँ कि आप इसको प्रिंट ले सकते हैं, आपकी पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है जी। ये आप देखें कि ट्रेंड कैसा हमारा जा रहा है, ये इक्विटी का ट्रेंड देखें, ठीक है, और ये टोटल एसेट्स है, ठीक है। आप एक और चीज बात आप कर लो कि टोटल अब हमारा जीडीपी का क्या हाल है, दुनिया में जीडीपी 3% 5% 10% तक जा रही है वर्ल्ड में, तो हमारा जीडीपी जो है ना 262 बिलियन डॉलर है, जिसको मैंने रेट 2021 का लगाया 162.96 लगाया रेट, 47,709 बिलियन जो है ना वो हमारा इस जीडीपी है, जिसका टोटल प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योर 396 है और स्टेट लाइफ का 164 अगर लगाएं, टोटल जमा करें तो टोटल हमारा 0.83% जीडीपी का है, ठीक है जी, और स्टेट लाइफ का 0.48 है, और बाकी सारी कंपनी मिला के 0.34% है। अगर ये डबल भी करें तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे, मुल्क तरक्की करता है, तो इस पे फोकस करने की हमारी जरूरत है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें पॉपुलेशन हमारे पास कितनी, रजिस्टर्ड मैंने गूगल से निकाली एक पार्ट, कितनी बनती है हमारी विकिपीडिया से, ये आप देख लें कितनी हमारी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन का जो कहते थे ना 22 अरब करोड़ की बात है, ये उसको क्रॉस कर चुकी है, 23 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, और इसमें जो अनइंश्योरेबल हैं वो मैंने 40% वो हैं जो बुजुर्ग और 18 साल से कम है और 65 से ऊपर हैं, वो इंश्योर्ड नहीं हो सकते, उसको मैंने निकाल दिया है, बाकी आपके पास 13 करोड़ 88 जो है ना वो लाख आपकी इंश्योरेबल ब्रैकेट है जिसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी तक इंश्योरेंस जो है वो मैं 62 लाख नहीं बात कर, मैं करोड़ की बात कर लेता हूँ, क्या है कुछ भी इंश्योर्ड नहीं हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन का अभी और 5-6% इंश्योरेंस है आपकी, इसको अभी नई फिगर आती है तो उसमें हम डाल देंगे, और इसमें और आपको एक्यूरेट फिगर भी आपको मिल जाएगी। रेट ऑफ रिटर्न आप देखें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, 12.12% से भी ज्यादा होता जा रहा है, तो एक्चुअल में भी लूँ तो आज का फ्यूचर ना देखूँ मैं तो आप देखें 11.20% है पोस्टल का, ये आपके सामने ये कन्वेंशन सिस्टम पे है, और बाकी सारे यून लिंक सिस्टम पे आप देख लें, इनके बोनस रेट इनके रेट देख लो कितने हैं, तो ये यून लिंक में हमेशा रेट ज्यादा नहीं आपको मिलता,
ये देखो उसकी मैंने वर्किंग भी सारी आपको सब दिखा दी है, कैसे कलगुट करते हैं, जो उसकी कोटेशन से मैंने लिया है, प्रीमियम के एंड पे जो मेच्योरिटी बता रहे हैं उसको कलोशन में डाला तो ऑटोमेटिकली अगर ये 10% बता रहे थे पेरेंट तो निकलेगा 6%, 3-4% हाइडिंग है बाकी इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है जी। अब ये भी आप देखें क्लेम्स, हम 1 साल का क्लेम्स कितना बेहद कर रहे हैं, 32 करोड़ रुपया पे हो रहा है 1 साल का प्रीमियम, मतलब के क्लेम्स की माध्यम में डेथ में और मेच्योरिटी में, अगर पर सेकंड देखें तो 1031 है, पर मिनट देखें 61,000 रुपया है, पर डे आप देखें माशाल्लाह अल्लाह पाक फजल से 37 लाख रुपए पर डे हम पे कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखते जाएं तो आपकी बहुत बड़ा क्लेम पाकिस्तान को दे रहे हैं, क्योंकि वी आर ट्रीटिंग आर सेल्फ एज ए सोशल वेलफेयर, क्योंकि हम एक अदारा है जो कि आपको सर्व कर रहा है। और आप 2021 की और 20 की कंपैरिजन का भी देखें थोड़ा सा अपना ही, अब देखो टोटल एसेट्स हमारे जो है ना 1.20 ट्रिलियन से बढ़ के हमारे 2021 में 1.37 ट्रिलियन हो गए हैं, 14% ग्रोथ हुई यहाँ पे। टोटल प्रीमियम रेट जो बड़ा है हमारा 36% बढ़ा है, 119 बिलियन से 162 बिलियन पे चला गया है, तो 36%। न्यू बिजनेस सेल्स कितनी हुई है 36 बिलियन से 72, 100%। टोटल पॉलिसी ऑर्डर क्लेम्स कितने पे किए हमने 65 बिलियन से बढ़ा के 98 बिलियन, 52% यहाँ पे ग्रोथ है। पॉलिसी ऑर्डर्स बोनस क्या है अब देख लो 85.65 नीचे 76 से बढ़ता हुआ 13%, 30% बोनस भी बढ़ा है हमारा। डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स 1.5 बिलियन से 1.7 बिलियन, 13%। शेयर होल्डर्स सरप्लसेस आप 4.2 से 6.62 बिलियन, 58%। किस किस की बात करेंगे आप, कहाँ कहाँ से बात करेंगे, डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुकी है, प्रोडक्ट हमारी उस पर आ चुकी है, तकाफल लॉन्च हो चुका है, बैंक ऑलरेडी सेल हो रहा है, ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता ग्रो करते। हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारी आ गई है स्ट्रॉन्गेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे मैं दूंगा आपको, ये मुझे 2010 से मैंने काम शुरू किया, उससे मुझे अवार्ड मिला, उस बाद ये करंट हमारे चेयरमैन साहब हैं इससे मुझे अवार्ड मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में ये कहूंगा प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, जिंदगी में हमेशा खुश रहा करें, करेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों को दें, अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों को दें, ताकि लोगों के को आप खुशी हो कि आपने जो चीज हमें बताई है वो एक्यूरेट है। आखिर में थैंक यू वेरी मच, होप द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज।